सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान आप लोगों ने देखा है, आपको याद है शक्तिमान, मुकेश खन्ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान, हाँ तमराज किलविश वाला शक्तिमान, गंगाधर वाला शक्तिमान। लेकिन शक्तिमान बनना इतना आसान नहीं है, और अगर आपको लगता है कि शक्तिमान बनना गुरु इतना आसान है तो एक बार रणवीर सिंह का हाल पूछ लीजिए। रणवीर सिंह इन दिनों मुकेश खन्ना साहब को मनाने जा रहे हैं, एक बार जा रहे हैं, दो बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और बार बार मना रहे हैं, स्टाफ वालों के साथ फोटो ले रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ कुछ तो बता दो, कुछ कुछ कर दो, स्टाफ वालों को भी खुश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रणवीर सिंह मुकेश खन्ना के पास क्यों जा रहे हैं और क्यों बार बार उनके पास जा रहे हैं? तो कहानी गुरु ये है कि रणवीर सिंह को बनना है शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान बनने के लिए पुराने शक्तिमान का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो वो गंगाधर बनकर रह जाएंगे और शक्तिमान नहीं बन पाएंगे। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि बात हमने जलेबी की तरह घुमाई है तो आपको बता दें कि एक पिक्चर बनने वाली है जिसका नाम है शक्तिमान। अब इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो रणवीर सिंह को बड़ी पसंद आ गई है, लेकिन मुकेश खन्ना साहब जिनके जो शक्तिमान थे और जिनकी प्रोडक्शन कंपनी भीष्म इंटरनेशनल का बड़ा रोल इसमें था, उनको लगता है कि रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बन सकते क्योंकि ये आदमी नंगू पंगू घूमता है। मुकेश खन्ना ने साफ साफ कहा था कि यार ये आदमी बड़ा अश्लील है और इस अश्लील लौंडे को हम शक्तिमान नहीं बनने देंगे, शक्तिमान वो बनेगा जो बड़ा साफ सुथरा आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा। ये उनका नज़रिया था अच्छे और साफ सुथरे को लेकर, और कहा कि जो आदमी पैसा लेके नंगा हो सकता है उस आदमी को हम शक्तिमान नहीं बनने देंगे। अब यही कहानी रणवीर सिंह के लिए समस्या बन गई है क्योंकि पिक्चर में प्रोड्यूसर पैसा लगाने तैयार है लेकिन उसकी जो राइट्स लेने हैं वो भीष्म इंटरनेशनल से लेने हैं, और भीष्म इंटरनेशनल राइट देने के लिए कह रहा है कि हम रणवीर सिंह को नहीं रखना चाहते, रणवीर सिंह को आप हटा दो। अब रणवीर सिंह बार बार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सॉरी शक्तिमान, अब कपड़ा नहीं उतारेंगे, अब नंगू पंगू नहीं बनेंगे, हमको इजाज़त दे दो, परमिशन दे दीजिए, परमिशन मिल जाएगा हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे भी कई सारी पिक्चर फ्लॉप हो गई है। दरअसल साल 2022 में सोनी पिक्चर्स ने मुकेश खन्ना की प्रोडक्शन कंपनी भीष्म इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेट करके शक्तिमान के अनाउंसमेंट की थी। ये कहा गया कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए की फिल्म जो है वो बनेगी। मेकर्स ने उस वक्त लीड रोल के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच किया, रणवीर सिंह राजी हो गए, लेकिन इसके बाद मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान बने थे उन्होंने कहा कि यार मैं रणवीर सिंह को मुकेश खन्ना नहीं बनने दूंगा, बाकी चाहे जो कर लो, जिसको हीरो रखना है हीरोइन रखना है, साइड एक्टर मतलब नहीं, लेकिन रणवीर सिंह नहीं रहेंगे, उनके मैं न्यूड से नाराज़ हूँ। वो कहते हैं कि यार जो आदमी कैमरे के सामने नंगा पंगा हो गया पैसा लेके, जो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता अश्लील लड़का है, वो उसको हम क्यों करेंगे। इसके बाद रणवीर जो है वो मुकेश को मनाने के लिए पहुँचे थे, उस वक्त भी ये सारी बातें आई थी। उस वक्त मुकेश खन्ना ने कहा भी था कि देखो रणवीर जो है वो छुपकर नहीं आया, बिना मेरे बताए ये न्यूज़ आई, रणवीर शक्तिमान किरदार निभाने के लिए आया है, मैंने उससे बात की, उसने मुझसे मनाने की कोशिश की, मैं कह रहा हूँ ठीक है लड़का आ रहा है बात ठीक है लेकिन मैं इजाज़त नहीं दूंगा। बाद में YouTube पर भी कहा कि ऊँट किसी करवट नहीं बैठा है, मंथन जारी है, जब मैं तय कर लूँगा तब बता दूंगा कि शक्तिमान आपके लिए बन रहा है मेरे लिए नहीं। अब शक्तिमान हम सबकी यादों में बसा हुआ है, इंडिया का पहला सुपर हीरो जो था वो शक्तिमान था। 90s दशक में हम और आप TV पर बैठ के दिन रात शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान का शो देखना पसंद करते थे, इस किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि TV पर महाभारत और रामायण के बाद अगर कोई शो सबसे ज़्यादा चला था या पसंद किया गया था तो वो शक्तिमान था। बच्चों में सीरियल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। 1997 से इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ था, हालांकि 2005 में अचानक से बंद हो गया था। जब बंद हुआ था तब भी इसके पीछे वजह जो थी वो पैसों की थी। कहा जाता है कि दूरदर्शन ने काफ़ी पैसा मांग लिया था, मुकेश खन्ना नहीं कर पा रहे थे शटल, और ऐड बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम स्लॉट जो है वो चेंज कर दिया गया था, शक्तिमान को लेकर इश्यूज़ बहुत सारे हो गए थे। कुल मिलाकर जो भी था, लेकिन 97 से लेकर 2005 के बीच में वो 8 साल लोगों ने शक्तिमान को काफ़ी देखा, पसंद किया, शक्तिमान को लेकर इंटरेस्ट जो था वो बरकरार था। लेकिन अब शक्तिमान जब एक नए सिरे से आने की कोशिश कर रहा है तब उसमें समस्या हो रही है रणवीर कपूर के कपड़ों को लेकर, रणवीर सिंह के कपड़ों को लेकर। कपूर कहाँ गए यहाँ पे, कपूर तो रामायण में राम बन रहे हैं, सिंह जो है वो शक्तिमान बनना चाह रहे हैं। हमें लगा हम आपसे पूछ लेते कि आपको शक्तिमान की मेमोरीज याद है, याद है तो शक्तिमान में फेवरेट किरदार कौन सा था आपका, डॉक्टर जयकौल या तमराज किलवेश
गीता विश्वास, ये तो कुछ हमको भी याद है यार, इतने साल बाद भी। या गंगाधर, कौन सा किरदार था जो आपको आज भी याद है कि यार शक्तिमान में एक किरदार था? और मुकेश खन्ना जो कह रहे हैं कि आदमी नंगू पंगू घूमता ही शक्तिमान नहीं बन सकता, शक्तिमान बनने के लिए एक अलग तरह की इमेज होनी चाहिए, व्हाट्स योर टेक? सही है गलत है? और आपकी नज़र में कौन सा एक्टर है जो शक्तिमान बन सकता है? शक्तिमान भारी भरकम, शक्ति शक्ति शक्तिमान, बताइए कमेंट सेक्शन में।